नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूजफुल है, हाथों का कपकपाना। जैसे आप कोई सामान उठाते हैं तो हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, या आप लिखते हैं तो हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं। आज इस बीमारी पर हम आपसे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि होम्योपैथी रिलेटेड और बीमारियों से संबंधित हर उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जो यहाँ पर अपलोड होगा। तो हाथों का कपकपाना, दोस्तों हाथों का कपकपाना विशेषता 40 वर्ष की आयु के लोगों को भी ज़्यादा होता है, लेकिन यह बीमारी आप आम हो गई है, बहुत कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। हाथ ही नहीं कपकपाते हैं, सर का भी कपकपाना उसी समय चालू हो जाता है, और आपके पैर भी लड़खड़ाते रहते हैं, पैरों में भी कंपन होता है। तो ये क्यों होता है, पहले ये इस पर डिस्कस करते हैं, फिर इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन उनको आपको बताएंगे, और लास्ट में हम ये आपको बताएंगे कि उनको कैसे यूज करना है। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो हाथों का कपकपाना, साइंस की भाषा में इसे ट्रिमर या पार्किंसंस नाम दिया गया है। ये कई इसके कारण हो सकते हैं। पहला कारण वो है कि आपकी नसों प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, नसें सूख रही हैं, तब आपके हाथ और पैर कपकपाने लगेंगे। दिमाग को ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है तो दिमाग में कंपन, आपको साए साए की आवाज़ या झंझनाहट की आवाज़ आपके माइंड में चालू हो जाएगी, वैसे ही स्थिति सेम पैरों में होना चालू हो जाएगी, सेम हाथों में भी वही स्थिति होती है। हाथों में विशेषता आपको जल्दी असर होता है इस वजह से कि हाथों से आप बहुत सारे वर्क करते हैं। दोस्तों, हाथों से आप लिखते हैं, हाथों से कोई सामान आप उठाते हैं, तब आपके हाथ जवाब देना चालू हो जाते हैं, बोझा सहन नहीं कर पाते हैं, तब आपको कंपन जल्दी प्रतीत होने लगता है। कोई बारीक काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काटने का काम कर रहे हैं, तब आपके हाथ लड़खड़ाने लगते हैं। इन स्थितियों के उत्पन्न होने का मेज कारण होता है कि आपकी बॉडी की सभी नसों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, नसें सूख रही हैं, उनमें वीकनेस आ गई है, उनकी जो नसों की लेयर हैं वेंसेज वो कमज़ोर हो रही हैं। तो ये रहा इसका लक्षण। तो दोस्तों, इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इसकी बेस्ट तीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, तो हम तीनों का नाम आपको बताते हैं। पहली मेडिसिन है कालीभास। कालीभास पे बहुत सारे वीडियोज हमारे भी हैं, आप उनको देख सकते हैं, कालीभास पे डिस्कशन हुआ है। दोस्तों, कालीभास एक नर्व टॉनिक है, एक ब्रेन टॉनिक है। इसको ह्यूमन बॉडी के लिए अमृत कहा गया है। दोस्तों, कालीभास एक बायो कम्बिनेशन है। कालीभास इसको 6 एस्पोटेंसी में आपको लाना है, और उसकी 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम आपको प्रयोग करनी है। कालीभास आपकी बॉडी में काम कैसे करती है? कालीभास जैसे ही आप लेना चालू करते हैं, आपके नसों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है, ये कहीं ना कहीं ब्लड थिनर का भी काम करती है, और जो सूखी हुई नसें हैं, जो सूखी हुई वेंस हैं, उनमें जान डालने का काम करता है। और दोस्तों, दूसरी दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम स्पेशल पार्किंसंस के लिए दवा है। अगर आपके पैरों में झंझनाहट है, हाथों में झंझनाहट है, और कहीं ना कहीं दिमाग में भी झंझनाहट है, या पूरी बॉडी आपकी झंझना रही है, तो क्यूप्रम मेटालिकम एक बहुत ही प्रभावशाली होम्योपैथिक दवा है। इसको आपको डाइल्यूशन में लेना है 30 पोटेंसी में, और इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आपको प्रयोग करना है। और तीसरी दवा है जिंकोबा बिलोवा। ये एक मदर टिंचर है। दोस्तों, इसके तो बहुत लाभ हैं बॉडी के अंदर,
ये एंटी स्पास्मोडिक भी काम करती है, एंटी एलर्जिक भी काम करती है, एंटी अस्थमेटिक भी काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये काम करती है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डायरेक्ट प्रभाव डालती है। मेंटल वीकनेस है आपको, उस पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। मसल्स वीकनेस है, उस पर भी प्रभाव डालती है। और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक होने के कार्य का कारण जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन और जो मसल्स में पेन है उसको भी ठीक करती है, और ब्लड में जो किसी प्रकार का जो है बैड पार्टिकल घुले हुए हैं उनको भी रिफ्रेश करती है। तो मसल्स और एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को भी कम करती है, अगर नसों के अंदर प्रॉपर सूजन आ गई है और ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसको भी कम करती है। मेंटल वीकनेस में ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं, और न्यूरोलॉजिकल में जो वीकनेस है उस पर भी बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट हैं। तो आप ये तीनों मेडिसिन, अगर ऐसी कोई समस्या है, हाथ कपकपा रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो ये तीन मेडिसिन आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। दोस्तों तीनों मेडिसिन में एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ। पहली मेडिसिन एक बायो कम्बिनेशन है जिसका नाम है कालीफॉस, इसको 6 एस्पोटेंसी में लाना है और 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम आपको मुंह में चूसना है। दूसरी दवा है क्यूप्रम मेटालिकम, ये एक डाइल्यूशन है 30 पोटेंसी का लाना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आपको प्रयोग करना है। और जिंकोबा बिलोबा मदर टिंचर, इसकी 20 बूंद 1/2 कप वाटर में सुबह दोपहर शाम आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको खासकर ये समस्या है या जिनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है उनको तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।